30 जून को विधायक और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ गोपालपुर थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई, जिसके विरोध में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजाराम यादव ने बताया कि पूरी कांग्रेस इस घटनाक्रम से आहत है और इसका पुरजोर विरोध करती है। एफआईआर निरस्त करने की मांग को लेकर आज माननीय राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन देते हुए थाना परिसर में पहुंचे। ज्ञापन में बताया कि 30 जून को कांग्रेस पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन नरसुल्लागंज होते हुए नेमावर जा रहे थे। रास्ते में पाड़ागांव के पास सीप नदी के पुल का लोकार्पण नहीं होने से ग्रामीणों को 35 किलोमीटर दूर घूमकर जाना पड़ रहा था। विधायक वर्मा ने स्थानीय लोगों की समस्या को देखते हुए नागरिकों के साथ मिलकर आवागमन को चालू करवा दिया। प्रदेश सरकार ने उनके साथ स्थानीय नागरिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। यह नियम विरुद्ध है, इसे निरस्त किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा के सम्मान सदस्य के खिलाफ शासन और विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई भी केस दर्ज नहीं किया जा सकता। पुलिस और मध्य प्रदेश शासन को विधानसभा अध्यक्ष से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की है, इसे सरकार की मंशा साफ दिखाई देती है। सतवास से जीतू सिंह की रिपोर्ट। चुने गए व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवा दी, जबकि किसी विधायक के विरुद्ध कोई भी रिपोर्ट दर्ज करने के पूर्व, एफआईआर दर्ज करने के पूर्व उससे एक विधानसभा अध्यक्ष अनुमति लेना होती है। यह बीजेपी की एक मंशा है कि उन्हें बिना काम किसी भी केस में फंसाया जाए। तो हम महामहिम राज्यपाल महोदय से यही निवेदन करेंगे कि उनके विरुद्ध जो एफआईआर दर्ज हुई उसे वापस करी जाए, इसके लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।